हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तेजस और आप सभी का स्वागत है तेजस टेक यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र मशीन। तो चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख ही रहे कि कैसे सैनिटाइज कर रहा है हमारे हाथों को। जब ये लाइट LDR पर पड़ रहा है और लाइट बंद हो रहा है तो सैनिटाइज़र पड़ रहा है। तो चलिए सर्किट बनाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए मिनी वाटर पम्प, 12 वोल्ट रिले, एक कौन सा भी LED बल्ब आप ले सकते हैं, एक स्विच और एक LDR सेंसर। ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपको मिल जाएगा। BC547 ट्रांजिस्टर, डायोड 70K रेजिस्टर, एक मैंने DO का नोजल लिया है हमारा सैनिटाइजर स्प्रे होने के लिए, एक हीट सिंक और एक ट्यूब, एक मैंने 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लिया है। आप कौन सा भी ट्रांसफार्मर ले सकते हैं 12 वोल्ट का, कुछ वायर्स। तो फ्रेंड्स, आप ये डायग्राम देख ही रहे, इस हिसाब से आपको शोल्डरिंग करनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने डायग्राम शो किया है, आप ये देखकर भी कर सकते, मैं अभी कर रहा हूँ। आप यहाँ 33K से 100K तक का रजिस्टर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 70K रजिस्टर का यूज़ किया है। LDR सेंसर हमें ट्रांजिस्टर की सेकंड और थर्ड लैग पर लगाना है। और ये पावर सप्लाई की जो दो वायर से इनके बीच में हम स्विच लगाने वाले। तो चलिए एक MDF बॉक्स बना लेते हमारे सैनिटाइजर मशीन के लिए। मैंने 10x10 इंचेस का पांच पीस ले लिया है, 10x10 इंचेस, और एक 6x10 इंचेस का एक दो पीस ले लिया है। आप आपके हिसाब से कैसा भी बॉक्स बना सकते हैं। मैं सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका रहा हूं। फ्रेंड्स, ये MDF बोर्ड है, 3mm साइज है इसकी, ये बड़े आसानी से चिपक जाता है ग्लू से। आप फेविकॉल से भी चिपका सकते हो, पर फेविकॉल से थोड़ा टाइम लग जाता है। अब मैं मार्किंग करूँगा हमारे स्प्रे और नीचे जो कंपोनेंट्स जाने वाले हैं उसके लिए। इसको आपको होल कर देना है। तो मैंने होल कर इधर स्विच लगा दिया है और इधर ये जो हमारा कंटेनर है उसमें पानी की मोटर डालकर मैंने उधर फिक्स कर दिया है। और इधर हम रिले लगाने वाले हैं हमारा जो सर्किट है वो LDR सेंसर और सब। अब मैं उस होल से ऊपर वायर्स सब वायर्स ऊपर ले लूंगा। और एक कौन सा भी LED बल्ब आप यूज कर सकते 12 वोल्ट पर, जो 12 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पर चले ऐसा बल्ब LED। तो मैं एकदम एग्जैक्ट सामने चिपकाने वाला हूँ LDR सेंसर के, क्योंकि जब हमारी लाइट बंद हो जाएगी और LDR पर अंधेरा छा जाएगा तो हमारा सेंसर एक्टिवेट होगा और हमारा सैनिटाइजर नीचे गिरेगा। तो इस बॉटल को मैं दो होल करने वाला हूँ, इसमें मोटर डालने वाला, इधर स्प्रे का होल डालकर इसमें मोटर डालेंगे।
मैंने ये कनेक्शंस कर दिए। तो मैं मोटर के कनेक्शंस इसको बॉटल के अंदर जो मोटर है उसको कर दूंगा और इसको हम अच्छे से इंसुलेट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा सैनिटाइजर अगर बाहर आ गया तो ये इस वायर्स को ना लगे। अब मैंने सैनिटाइजर इस बॉटल में डाल दिया है। अब मैंने स्प्रे का नोजल बॉक्स के एकदम बीचों बीच में डाल दिया है और ये 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर के हम कनेक्शन करने वाले हैं। अभी जहाँ से डायग्राम में आपने देखा ही होगा 12 वोल्ट सप्लाई जहाँ से देना है वहाँ पर हम इसके कनेक्शंस कर देंगे। तुम इसको प्लग इन कर कर एक बार टेस्ट कर रहा हूँ। ये लाइट चालू हो गई है, सैनिटाइजर भी आ रहा है। तो मैं ऊपर से एक बॉक्स लगाने वाला, ऊपर से एक पीस लगाने वाला हूँ और आगे से भी एक पीस लगाने वाला हूँ। एलडीआर सेंसर का उधर से होल है और इधर स्प्रे है और इधर की साइड पर रिले है। मैंने इसे पीस कट कर लिया है 10x10 इंचेस का। अब हम इसको चिपकाएंगे एब्रो टेप की हेल्प से। एक हिंजेस का काम करेगा जो कि हम हिंजेस नहीं लगा सकते एम टेप बोर्ड पर, इसलिए हम एब्रो टेप का यूज़ करेंगे। आप कौन से भी टेप का यूज़ कर सकते हैं इसकी चीज़ के लिए। मैंने आगे का पीस कट कर लिया है, मार्क किया है वैसे। तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है डेकोरेशन होने के बाद। फ्रेंड्स ये बड़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।